न बदलेंगे हम तुम्हारी कसम। बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम तुम्हारी कसम। तुम्हारे है जब तक के दम में है दम तुम्हारी कसम। बदनाम क्यों है हमारी वफाओं से इल्जाम क्यों है। कहो नाम ओम शांति ओम शांति। आज की तारीख है 30/11/11 और आज की ज्ञान मुरली का हेडिंग है मीठे बच्चे। कौन किसने कहा मीठे मीठे हमारी ऊंच तकदीर बनाने वाले बाप दादा ने कहा मीठे बच्चे। हाँ तो मीठे बच्चे जब बाबा का सुनते हैं तो ऐसा लगता है प्यार के सागर का प्यार प्राप्त कर रहे हैं। तो मीठे बाबा कहते हैं मीठे बच्चे अपनी तकदीर ऊंच बनानी है तो क्या करो, रूहानी सेवा का शौक रखो, सबको ज्ञान धन का दान करते रहो। हाँ यदि दान पुण्य करने की दिल होती है शौक है तो बाबा कहते हैं सबको कौन सा दान दो, ज्ञान धन का दान करते रहो। प्रश्न है रूहानी बाप ऐसी कौन सी श्रीमत देते हैं जो आज तक किसी भी मनुष्य ने नहीं दी। उत्तर है मीठे बाबा कहते हैं हे रूहानी बच्चे, आज शिव बाबा का प्यार का अनुभव करना है। हे रूहानी बच्चे तुम रूहानी सेवा में दधीची ऋषि की तरह हड्डियां दो। बाप से जो अविनाशी ज्ञान रत्न मिले हैं उनका दान करो, ये है सच्ची सच्ची सेवा। ऐसी सेवा करने की मत कोई भी मनुष्य नहीं दे सकता। रूहानी सेवा करने वाले तो उनकी स्थिति क्या होगी, बाबा कहते हैं वो नाचते रहेंगे और फिर बाबा कहते हैं साथ साथ क्या करेंगे, तकदीर उनकी ऊंची बनती जाएंगी। अच्छा गीत भी बहुत अच्छा बना है, बजा भी है। बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम तुम्हारी कसम। हाँ ये बच्चे बाप से वायदा करते हैं क्या कि दुनिया बदल जाएगी पर हम नहीं बदलेंगे। बाबा हम कसम खाते हैं माना प्रतिज्ञा करते हैं तुम्हारे हैं जब तक दम में है दम तुम्हारी कसम। हाँ जब तक हमारी इस शरीर में आत्मा है तो अंतिम श्वास तक हम क्या करेंगे, हम तुम्हारे रहेंगे। धारणा के लिए मुख्य सार है नंबर एक आपस में एक दो का रिगार्ड रखना है, सर्विस का बहुत बहुत शौक रखना है, ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भर कर फिर उसका दान भी करना है। नंबर दो है एक बाप से ही सुनने का संकल्प रखना है। हाँ नहीं तो आजकल ज्ञान को सुनाने वाले बहुत लोग हैं परंतु वो सब है शास्त्रों का ज्ञान, लेकिन ये ईश्वरीय ज्ञान स्वयं बाप ही आकर सुनाते हैं। इसलिए एक बाप से ही ज्ञान सुनने का संकल्प रखना है, दूसरे ख्यालातों में बुद्धि को भटकाना नहीं है। वरदान है आज का बहुत अच्छा, सदा पश्चाताप से परे। कौन रह सकता है पश्चाताप से परे, जो भूले नहीं करेगा पाप कर्म नहीं करेगा। भूल करेंगे पाप करेंगे तो उसका हमको पश्चाताप करना पड़ेगा। तो सदा पश्चाताप से परे प्राप्ति स्वरूप स्थिति का अनुभव करने वाले सद्बुद्धिवान भव। जो बच्चे बाप को अपनी जीवन की नैया देकर मैंपन को मिटा देते हैं, श्रीमत में मन मत को मिक्स नहीं करते, वो सदा पश्चाताप से परे प्राप्ति स्वरूप स्थिति का
अनुभव करते हैं उन्हें ही सद्बुद्धिवान कहा जाता है। ऐसे सद्बुद्धि वाले तूफानों को तोहफा समझेंगे। ऐसे सद्बुद्धि वालों का क्या होगा कि तूफानों को तोहफा समझ स्वभाव संस्कार की टक्कर को आगे बढ़ने का आधार समझे। सदा बाप को साथी बनाते हुए साक्षी हो हर पाठ देखते सदा हर्षित होकर के चलते हैं। तो बाबा ने उनके लक्षण भी बताए। अच्छा स्लोगन है आज का, जो सुखदाता बाप के सुखदाई बच्चे हैं उनके पास दुख की लहर कभी भी आ नहीं सकती। अच्छा मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति।